मैं अब आपसे कहूं कि भाई मैं ऐसा एग्जांपल लेता हूं, आप ध्यान से देखो सब बच्चे, मैं आपसे कह दूं कि नहीं मैं ले रहा हूं 2x + 4 और 2x + 4 को मैं सिर्फ नंबर से डिवाइड कर रहा हूं क्योंकि मैं डिग्री नहीं लेना चाह रहा हूं, वेरिएबल की पावर नहीं लेना चाह रहा हूं। तो अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा बेटे, मुझे क्या लेना होगा, एक्स लेना होगा। वेरी गुड, शाबाश, एक्स लेना होगा। फिर आप एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x हो जाएगा। फिर आप बेटे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर आप लिखेंगे +4 तो आपको प्लस लेना होगा। फिर आप लिखेंगे 2 तो 2 × 4 करना होगा। आप रिमाइंडर लेंगे 0। अब आप इस केस में देखिए, क्या हमारे पास जो है बेटे qx का डिग्री और px का डिग्री सेम है? यस सर। तो ऐसा एग्जांपल लेना बच्चे अपनी तरफ से, तो आप कह सकते हो, बस ये तो मैंने आपको करके दिखाया, जरूरत है नहीं। आप कह सकते हो लेट px इज 2x + 4, gx इज 2, सो आपका क्वेश्चन आएगा x + 2 एंड rx इज इक्वल्स टू 0। हियर डिग्री ऑफ px इज सेम एज डिग्री ऑफ qx। दिस इज द आंसर। कुछ समझ में आया सब बच्चों को या नहीं? डिग्री नहीं होगी, अगर यहाँ डिग्री लेंगे बेटे तो फिर हमारे पास डिवाइजर में हमेशा डिग्री चेंज हो जाएगी। अगर पी एक्स में भी डिग्री है और जी एक्स में भी डिग्री है तो क्यू एक्स में बेटे डिग्री अलग होनी ही होगी, समझ गया? यस सर। ठीक है, ये हमारे पास। इसी तरह से आपके पास सेकंड एग्जांपल है, डिग्री ऑफ qx इज सेम एज डिग्री ऑफ rx। डिग्री ऑफ qx इज सेम एज डिग्री ऑफ rx। कोई बच्चा मुझे बताए क्या एग्जांपल दे सकते हो? सेकंड वाले का कोई बच्चा मुझे एग्जांपल दे सकता है? डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स, बताओ क्या एग्जाम्पल दो। कोई भी बच्चा बताए बेटे, कुछ भी बोल दीजिए, गलत सही तो बाद में देख लेंगे, आप बताओ तो सही कम से कम। सर डिग्री फर्स्ट वाली सेम होनी चाहिए सर। बेटे क्वेश्चन की डिग्री और आर एक्स रिमाइंडर की डिग्री सेम होनी चाहिए। कुछ भी बता दो ना, गलत तो मैं देख लूंगा, फिर सजेस्ट करो। जी बेटे नहीं समझ में आ रहा, देख इसका अपोजिट ले लीजिए सर, x² + 2x + 1 / x² + 1 कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। एक्चुअली हमें क्या करना है, हमें रिमाइंडर और क्वेश्चन की डिग्री सेम रखनी है। मैं आपसे देखो क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ सपोज करो मैं ऐसे ही लिख दूँ 2x, ठीक है 2x ही लिख देते हैं, और चलो 2x + 4 कर दीजिए, नहीं 4 भी नहीं कर रहे हम तो, बहुत सिंपल लिख ले, आपकी मर्जी है आप जितना चाहे। और मैं इसको x से डिवाइड कर दूँ, कोई बच्चा बताएगा मुझे क्या आएगा? 2x / x टू आएगा, 2x आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा? 0। बताइए दोनों की डिग्री कैसी है, दोनों की डिग्री बताइए क्या है? 0 बेटे, 1 नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने ले लिया ऐसे ही सिंपल कि px is 2x
एंड जी एक्स इज एक्स, सो क्यू एक्स इज टू, टू मीन्स बेटे एक्स टू द पावर जी, एंड आर एक्स इज जीरो, तो ये इज ऑल्सो जीरो, डिग्री सी। इस तरह से आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि बस ये हमारे पास कंडीशन सेम आनी चाहिए। इस थर्ड वाले का भी आंसर यही हो सकता है, डिग्री ऑफ आर एक्स जीरो, कुछ भी हमारे सर तो मैं सिर्फ डिग्री जीरो ही देंगे फिर। नहीं, डिपेंड करता है बेटे, आप कुछ और भी ले सकते हो। जैसे अभी इन्होंने कहा था कि हम क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, या हम एक्स प्लस फाइव ही ले लें अगर, चलो मैं इसी को ले लूँ, जरूरी नहीं है, उसके तो जीरो ही आ रहा है, लेकिन चलो एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस क्या ले लें, फाइव ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, और हम इसको डिवाइड कर देते हैं बेटे एक्स से, एक्स प्लस टू से कर देते हैं मान लो, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ गया कुछ भी ऐसा कि हम पर डिग्री सेम आ जाए, क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, लेकिन हमारे पास ये रिमाइंडर वन आएगा। कोई भी सोच के देखिएगा, अभी फिलहाल मेरे जहन में कुछ नहीं आ रहा कि आपके पास कुछ ऐसा आ जाए जिसमें आपका क्वेश्चन और रिमाइंडर सेम आ। और इन सब के केसेस में ना, ये तो खैर आपके पास है, मैं तो एक सीधा एग्जांपल भी दे देता हूँ, अगर आप किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड कर दें तो ये सारी कंडीशन में सेटिस्फाई होता है। टीचर्स हंसेंगे मेरी इस बात पे, बट ये हर कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। 9 पॉलिनोमियल है या नहीं है ये बताओ। हाँ भाई, 9 इज ए पॉलिनोमियल? नो सर, ऐसी बात मत करिए, 9 इज नॉट ए पॉलिनोमियल। यस सर, दीज ऑल आर, यस सर है, दीज ऑल आर जीरो, जीरो पॉलिनोमियल है, सब जीरो पॉलिनोमियल है बेटे, इनकी डिग्री जीरो है। अब इसको किसी भी केस में रख सकते हो, यहाँ पे क्या है, क्वेशेंट की डिग्री और डी एक्स की डिग्री सेम है, यहाँ पे क्यू एक्स और रिमाइंडर की डिग्री सेम है, यहाँ पे पी एक्स और जी एक्स की डिग्री सेम है, यहाँ पे जिसको भी कंडीशन में रखो, यहाँ पे रिमाइंडर का डिग्री जीरो है, तो ये सबके लिए एग्जाम्पल है, टीचर इसको बात को मानेंगे नहीं। तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या लिखना चाहो क्या नहीं। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन हमारा डिवीजन पे रह गया था, उसको समझ लीजिए, इसके अलावा तो कोई डाउट नहीं है। डिवीजन पे बेसिक अच्छा सा क्वेश्चन है, डिवीजन पे बेस्ड वो हमारा क्वेश्चन रह गया, वो समझ लीजिए आप, समझिए।
देखो ये है आपके पास एग्जांपल, आपके एग्जांपल्स में ही है एनसीईआरटी में, अगर आप यहाँ देखेंगे तो क्वेशेंट और रिमाइंडर की डिग्री सेम है ना यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. तो ये इस तरह से एग्जांपल कुछ भी आप जो भी आपको समझ में आ जाए वो आप एग्जांपल दे सकते हैं, बट जो उन्होंने कंडीशन दी है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो इस तरह से आप दे सकते हैं। और जो हमारे पास रिमाइंडर जीरो डिग्री का है वो तो आप कोई भी एग्जांपल दे दीजिए, जैसे ये आपके पास है तो इसमें आप बताइए रिमाइंडर की डिग्री कितनी है। जीरो। तो इस तरह से आप कोई भी ऑप्शन लेके कर सकते हैं। हाँ, ये लास्ट एक क्वेश्चन रहा है आप सब बच्चों के लिए, फिर मैं कोशिश करूंगा एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जैसे हमने परसों किए थे फिर एक दो क्वेश्चन आपसे एक्स्ट्रा करा सकूं। प्रॉपर्टी बेस्ड, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छी डिवीजन की प्रैक्टिस है, इसमें यही है कि आपको डिवीजन आता है या नहीं आता है। ये बेटे हमारे पास क्वेश्चन, if the polynomial x to the power 4 minus 6x cube, ठीक है, is divided by another polynomial x square minus 2x plus a, the remainder come out to be x plus a, find a and a। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, कर लीजिए बेटे, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, डिवाइड करना है एंड जो हमारे पास लास्ट पे रिमाइंडर आएगा उससे फिर हमें कंपेयर करना है, तब हमारे पास a और k आएगा। तो मेन पार्ट है कि हम कैसे इसको डिवाइड करें, ये हमारे पास क्वेश्चन।